हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भाई का ज्ञान। तो इसमें मैंने इंस्टाग्राम की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैंने आपको नोटिफिकेशन और प्राइवेसी के बारे में बताया है। उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिक्योरिटी के बारे में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है पासवर्ड का। तो पासवर्ड अगर आपको चेंज करना है तो सबसे पहले आपको इसमें पुराना पासवर्ड डालना है, फिर आपको नया पासवर्ड डालना है और उसको रीटाइप करके और टिक कर देना है, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर आता है लॉगिन एक्टिविटी। अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा है इंस्टाग्राम। अगर आपका इंस्टाग्राम कोई और भी यूज़ कर रहा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, और वो किस जगह से यूज़ कर, यानी कि उसकी लोकेशन भी आपको दिखा देता है कि किस जगह पे ये यूज़ हो रहा है, और उसका मोबाइल का मॉडल नंबर और लोकेशन दोनों दिखा देता है। आप चाहो तो उसको यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई और यूज़ कर रहा है आपको लगता है तो यहाँ से आप उसको लॉग आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको इस ऑप्शन का यूज़ करके बच सकते हो, और कोई और अगर आपका इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है तो उससे भी आप बच सकते हो। फिर आता है सेव लॉगिन इन्फो। अगर आपको बार बार लॉगिन करना नहीं अच्छा लगता है इंस्टाग्राम को, तो आप इसमें सेव लॉगिन इन्फो पे क्लिक कर सकते हो, यानी कि अगर आपको आलस आ रहा है तो आप इसको ऑन कर सकते हो और आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑथेंटिकेशन ऐप और टेक्स्ट मैसेज। तो इसमें जो भी आप सेलेक्ट करोगे, फिर जब भी आप लॉग आउट करोगे अपने इंस्टाग्राम को, अगर आप दोबारा से लॉग इन करोगे तो हर बार आपसे ये आपके पास एक मैसेज आएगा। जब आप उस मैसेज को टाइप करोगे तभी ये लॉग इन होगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, और ऑथेंटिकेशन ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिफ़र करूँगा कि आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ही करें तो ज़्यादा बेहतर है और आसान भी रहेगा। फिर आता है ईमेल एंड इंस्टाग्राम। यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो मैं इसके बारे में स्किप करने वाला हूँ। फिर आता है एक्सेस एंड डेटा। एक्सेस एंड डेटा में आपके अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम कब ज्वाइन किया से लेकर के आपको सभी प्रोफाइल, कनेक्शन, अकाउंट एक्टिविटी, स्टोरी, सभी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर आपको अपने इंस्टाग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक्सेस डेटा पे आप क्लिक करके आप यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो। फिर आता है आपका डाउनलोड योर डेटा। जो भी आपने अब तक इंस्टाग्राम पे शेयर किया है, अगर वो सारा डेटा आपको वापस चाहिए तो यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी टाइप करिए और रिक्वेस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। आपके मेल आईडी पे एक लिंक आएगा जिस पे आप अगर क्लिक करते हो तो आपका जितना भी डेटा होगा वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो जितना भी ज़्यादा डेटा होगा उतनी ज़्यादा MB जाएगी आपकी और उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको भी आप कर सकते हो। ऐप एंड वेबसाइट। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू कहीं किसी ऐप पर या फिर वेबसाइट पर लॉग इन हो तो आप उसको भी यहां से रिमूव कर सकते हो और यहां से देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट या कौन सी ऐप पे आप लॉग इन थे, तो ये भी आप सेट कर सकते हो। फिर आता है सर्च हिस्ट्री। तो सर्च हिस्ट्री पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जितने भी लोगों को आपने सर्च किया होगा उन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी, और आप यहाँ से क्लियर भी ऑल भी कर सकते हो। तो देख सकते हैं आप, मैंने दो ही लोगों को यहाँ पे सर्च किया है इस इंस्टाग्राम अकाउंट से, जो कि भुवन बैम है और दूसरा कोई गरीब है, पता नहीं कौन गरीब है। तो ये दो लोगों को मैंने सिर्फ सर्च किया है, आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। तो ये थे कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शंस। तो इंस्टाग्राम पे अब आगे आने वाली सीरीज़ में मैं आगे के ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा। अगर आप ऐसे ही इंस्टाग्राम से रिलेटेड या फिर और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप देखना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।